जेन ओप्पो की डिवाइस है 5G। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हर किस्म की दुख तकलीफ़ और परेशानी से महफूज रखे। तो इस दुआ के साथ दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो अभी दोस्तों सुबह के तकरीबन 9:30 का टाइम हो रहा है। अभी जाना है, हमारी जो वाईफाई है उसके सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है। सिग्नल कभी आते हैं कभी जाते हैं, पहले ही मैंने कंप्लेन की थी लेकिन नहीं मसला हल हुआ था। तो अभी दोबारा आज जाना है वाईफाई को सही करवाने के लिए इनके दफ्तर। तो ये है जी जेन ओप्पो की डिवाइस है 5G, और इसमें प्रॉब्लम आ रहा है सिग्नल का। तो चलते हैं इनके दफ्तर में, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और क्या करते हैं, चेंज करके देते हैं या इसी को अपडेट करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे दफ्तर में ही। जी तो दोस्तों अभी कंप्लेन की है और 1 घंटे के बाद कहा है कि आप दोबारा जाके लगाएं, तो इंशाल्लाह जो सिग्नल का प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। बस शर्त यह है कि आपने एक ही जगह पे ये डिवाइस रखनी है, जगह चेंज नहीं करनी। अगर दोबारा जगह चेंज करेंगे तो फिर से आना पड़ेगा और फिर दोबारा से सेटिंग करवानी पड़ेगी। तो अभी देखते हैं जाके कि सही हुई है या नहीं, 1 घंटे के बाद लगा के देखेंगे तो फिर आपको अपडेट करते हैं जो भी सूरत हाल होगी। ये जो डिवाइस है हमारी जेन 5G, इसका जो मंथली बिल है 230 रियाल आता है, और 2 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने उससे पूछा अगर इसको कटवाएंगे तो क्या तरीक़ाकार है, तो उसने बताया कि 2 साल का आपका एग्रीमेंट है, उससे पहले आप अगर कटवाएंगे तो आपको अभी इस टाइम पे जो है 900 रियाल इसके बाकी 900 रियाल भरेंगे तो फिर ये कटेगी। तो अभी देखते हैं जाके जो लोकेशन उसने बताई है एक ही जगह वहाँ पर रख के देखते हैं, अगर मसला हल होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा इनके पास जाना पड़ेगा और जाके दोबारा से कंप्लेन करनी पड़ेगी। जी तो दोस्तों ये देखें, अभी यहाँ पर सेटिंग की है इसकी, ये पहले से ही STC की भी लगी हुई है। और ये देखें ये तार जो है, ये एक कनेक्शन मैंने ऊपर दिया हुआ है, तो ये अभी यहाँ से ऊपर से तार आई है और अभी देखते हैं कि यहाँ पे सिग्नल सही आते हैं, अगर सही चलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी लोकेशन चेंज करके और दूसरी जगह पर रखेंगे तो दोबारा इनके ऑफिस में जाके अपडेट करवानी पड़ेगी। तो 1-2 दिन चला के देखते हैं, और ऊपर वाले भी काम पे गए और आ जाएं, और आ जाएंगे तो वो भी बताएंगे क्या सोचते हैं, किस तरीके से चल रही है, तो उसके बाद देखेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह नए व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।